महाभारत युद्ध के बाद युद्ध में मारे गए वीरों की विधवाओं का क्या हुआ था? महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ था? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रम वासिक पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राजाभिषेक हो गया था। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी मां गांधारी और माता कुंती की दिनरात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए थे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती, विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दिया। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय सन्यासी का रूप धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को नहीं होने देती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों भाइयों से जाकर कह दिया। सहदेव की बातों को सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियों का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में भी विधवा स्त्रियां भी थीं जिनकी पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन में पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए और अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों पर मत रोइए। वे सभी स्वर्ग या दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का कोई सुख दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की फुल्की मुस्कान आ गई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुशी हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। इसके पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया।
कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा के इसी पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन का त्याग कर दिया और सभी अपने अपने पति लोक को चली गईं। तो मित्रों, इस तरह से महाभारत के सभी विधवाओं का अपने अपने पतियों के लोक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी विधवाएं अपने अपने पति लोक को चली गईं। ये थी महाभारत की छोटी सी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा।